नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के गठन के बाद राज्य में आरओबी और आरयूबी की क्रांति। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सड़क परिवहन को मजबूत करने के लिए ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे बनाने, यमुना पर 3 पुलों का निर्माण, प्री फैब्रिकेटेड तकनीक द्वारा आरओबी और आरयूबी बनाने और ग्रामीण सड़कों को 18 फुट चौड़ा करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सोमवार को हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि यमुना नदी पर रादौर के नज़दीक में जटराना, पानीपत के निकट हतवाला तथा फरीदाबाद के निकट मनावली में 125 करोड़ रुपए की लागत से 3 पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। इन 45 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से तकरीबन हमारे इस पीडब्ल्यूडी विभाग की 26,000 किलोमीटर सड़कें हरियाणा प्रदेश में हैं और 15,000 समथिंग सड़कें हमने रिपेयर की हैं। और इन 15,000 किलोमीटर में तकरीबन 2,941 किलोमीटर सड़कों को तो हमने चौड़ाई किया, 12 से किसी को 18 फुट किया, 18 से 24 फुट बनाया है 2,941, और 4,200 किलोमीटर की स्ट्रेंथिंग की हमने, और तकरीबन 7,944 किलोमीटर सड़कों को हमने रिपेयर किया है, चाहे उसको बीसी की है चाहे पीसी की है, तो तकरीबन 15,086 किलोमीटर हमने सड़क 26,000 किलोमीटर में से रिपेयर किए। सरकार ने जब हरियाणा बना, हमारी सरकार बनी तो उस समय 49 साल हुए थे हरियाणा को बने हुए, और 49 साल में हरियाणा में जो आरओबी आरयूबी थे वो तकरीबन 64 थे उस समय तक। हमने 32 आरयूबी नए बना दिए हैं और 31 पे काम चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि 7-8 महीने में वो 31 भी बन के तैयार हो जाएंगे, यानी 49 साल में 64 आरओबी आरयूबी और 63 आरओबी आरयूबी इन 5 सालों में बन के तैयार हो जाएंगे। 5 में 63, 32 बन के तैयार हो चुके, 31 पे काम चल रहा है, जो मैक्सिमम 6 या मैक्सिमम मान लीजिए आप इस साल के तक या 7-8 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। हमारी सरकार का जो चुनाव आएगा उससे पहले पहले 63 नए बन के हमारी सरकार में 5 साल में तैयार हो जाएंगे। आर ओ बी आर यू बी 64 थे 2014 26 अक्टूबर तक, जब हरियाणा की सरकार नहीं बनी उस समय तक 32 हमने बन के तैयार कर दी जो चालू हैं, 31 पे काम चल रहा है जो इस फाइनेंशियल ईयर तक समाप्त हो जाएंगे, बन के तैयार हो जाएंगे, 63 का काम हम नया शुरू करने जा रहे हैं। टोटल 592 लेवल क्रॉसिंग हरियाणा में हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है बड़ी, जो 50 सालों में 63 बने और हमारी सरकार 5 साल में 64 पहले बने 63 बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद 592 बचे नहीं, टोटल 592 आज हैं टोटल। हमारी सरकार आने से पहले हरियाणा में 4 ब्रिज थे यमुना के ऊपर, हमारी सरकार ने 3 नए ब्रिज बनाने का फैसला किया। एक का तो काम चालू हो चुका मंझावली में फरीदाबाद में, जिस पर तकरीबन 125 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। एक पानीपत के पास हतवाड़ा गांव है, उसके टेंडर रिसीव हमने कर लिए, उम्मीद की जा रही है 2 महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। एक जठराना गांव में रादौर के पास एक नया हम ब्रिज बना रहे हैं, उसमें जमीन हमने किसानों से मांगी कि जमीन दे दो, क्योंकि जमीन एक बार नहीं कर रहे, तकरीबन 90% किसान राजी हो गए, 10% पे काम चल रहा है, उम्मीद है 1-2 महीने के अंदर वो भी राजी हो जाएंगे, तो यहाँ तीसरा ब्रिज बन जाएगा। तो 4 हरियाणा बनने के बाद 49 साल में 4 ब्रिज यमुना पर, और हमारी सरकार 5 साल के अंदर 3 ब्रिज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। हमने जो रेलवे लाइन बनाई है, एक जींद सोनीपत रेलवे लाइन चालू हो चुकी, रोहतक शहर में एलिवेटेड बनने लग रहा है, रोहतक महम हासी रेलवे लाइन का काम शुरू हो चुका है,
नो रेलवे लाइन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है। नो में एक फरुखनगर चरखी दादरी, करनाल यमुनानगर, भिवानी लोहारू, जींद हिसार, दिल्ली फिरोजपुर झिरका, जींद बाईपास, एक कुरुक्षेत्र में जैसे हमने रोहतक में एलिवेटेड बनाया ऐसे कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड बनाने की योजना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग रहे हैं। एक मारुति जो हमारे गुड़गांव में मानेसर में प्लांट है वहां से एक पाथली रेलवे स्टेशन को 7-8 किलोमीटर का एक नई वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। एक जींद का बात, ये टोटल 9 रेलवे लाइन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।